हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। पति की लंबी उम्र को लेकर महिलाओं ने किया तीज व्रत। वैशाली जिले से कौशल किशोर सिंह की रिपोर्ट। वैशाली जिले के विभिन्न जगहों पर आज सोमवार को हरतालिका तीज पर्व पर मंदिरों से लेकर घर तक महिलाओं ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर पारंपरिक रीति रिवाज के साथ तीज पर्व मनाया। शहर से लेकर गांव तक की महिलाओं ने निर्जला रहकर शाम में पति की लंबी उम्र की मंगल कामना कर भगवान शिव पार्वती से आशीर्वाद मांगा। परंपरा के अनुसार अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु होने की मंगल कामना के साथ ये पर्व मनाया जाता है। दिन भर के उपवास के बाद शाम में व्रती महिलाओं 16 श्रृंगार कर सज धज कर माता पार्वती और महादेव की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम माता पार्वती ने यह व्रत किया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान महादेव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे। उन्होंने यह आशीर्वाद दिया था कि जो महिलाएं इस व्रत को पूरे मनोभाव से करेगी वो आजीवन सुहागिन रहेंगी। नमो नमस्ते रुद्रायुताय जय नमो नमः प्रार्थना प्रवितम नमस्कारमि समर्पयामि भगवन्ने संबिका ध्यान नमः। उसी में रखेंगे फिर फूल लेके कलश अंबिका प्रभु देवता का ध्यान करेंगे। पुराणों में महाभारत वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ सब पुराणों और वेदों का सर्वचित्र कथा गया मैं एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो जिस व्रत के प्रभाव से तूने मेरा आधा आसन प्राप्त किया हो मैं तुमको बतलाऊंगा क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में रत्न नक्षत्र में शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र कर लेने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था यह पिता हुआ तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा हे नाथ मैंने यह व्रत किया था आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर बड़ा रमणीक और पर्वतों में